बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जायज़ कैश की न्यू पॉलिसी 2022 आ चुकी है। इसमें कौन कौन से अकाउंट सस्पेंड या कौन कौन से अकाउंट क्लोज किए जा रहे हैं, मैं तमाम डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। न्यू आने वाले दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट है आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जो मेरे ओल्ड व्यूअर हैं या सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जायज़ कैश की न्यू पॉलिसी आ चुकी है 2022, इसमें ऐसे अकाउंट क्लोज होंगे या सस्पेंड किए जाएंगे जो एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर से मुराद ये है, आपने जिस चीज़ पे अकाउंट बनाया था वो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, और उन पे न्यू आइडेंटिटी, न्यू शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनवा लिया। और अगर आपने वो न्यू इशू डेट अपने अकाउंट में इनपुट ना की तो आपका जो अकाउंट है वो क्लोज या सस्पेंड कर दिया जाएगा। खुद किस तरह चेक कर सकेंगे जिस CNS पे आपका अकाउंट बनाया हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने इस पर क्लिक करना है, MH लिखा हुआ है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले जो है Gmail शो होगी, MPIN शो होगा, उसके बाद आपका CNS और नीचे एक्सपायरी डेट भी शो कर दी जाएगी। आप ये चेक कर सकते हैं, मेरी जो इस CNS की एक्सपायरी डेट है 1/1/2050 है। 2050 से मुराद ये है कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है ता ही आता है, लाइफ टाइम है, ठीक हो गया। अगर आपकी एक्सपायरी डेट जो है वो आपका CNS एक्सपायर हो चुका है, उस पे न्यू आइडेंटिटी कार्ड इशू हो चुका है, तो आपने क्या करना है, ये अपडेट करना है, वरना आपका अकाउंट 2022 में किसी टाइम भी किसी वक्त भी ये बंद या क्लोज कर दिया जाएगा। जो जायज़ कैश के यूज़र हैं उन्होंने *786*6*6 हैश के ज़रिए अपडेट करने है, और जिन्होंने टेलीनार, जोंग या यूफोन पे अकाउंट बनाया हुआ है उन्होंने क्या करना है, हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी न्यू इशू डेट के साथ अपने अकाउंट को अपडेट करवा लेने, वरना आपका जो अकाउंट है क्लोज कर दिया जाएगा। अपने अकाउंट को सस्पेंड या क्लोज होने से बचाने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपका CNS जिस CNS पे आपने अकाउंट बनाया था वो एक्सपायर हो चुका है तो उस पर न्यू इशू डेट अपडेट कर दी गई होगी, तो आपने क्या करना है, उसको अपडेट कर लेना। इस तरह से आपका अकाउंट सस्पेंड या क्लोज नहीं होगा। तो तमाम डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अच्छा था कमेंट्स करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।